नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रवि राठौड़ और आप सभी वागड़वासियों का स्वागत करता हूं बांसवाड़ा पत्रिका के अंक 1030 में। आप देख रहे हैं गोल्डी डिजिनेट पर गोफन टीवी कृत साप्ताहिक बांसवाड़ा पत्रिका। तो पेश है पिछले सप्ताह की विविध घटनाओं एवं समाचारों पर आधारित बांसवाड़ा पत्रिका का अंक 1030। बांसवाड़ा का पिछला सप्ताह पूरा राजनीति से प्रेरित रहा। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूरे 5 दिन तक बांसवाड़ा प्रवास पर रही। उन्होंने यहां पर कुशलगढ़ में जोगणिया माता मंदिर शक्तिपीठ पर दर्शन किए एवं साधु संतों का आशीर्वाद लिया। भाजपाइयों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। बांसवाड़ा के कुपड़ा गांव में भव्य श्रीमद् भागवत कथा संपन्न हुई। इसकी शुरुआत विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई। यह भागवत कथा वसुदेव कुटुंबकम आश्रम के महंत रुद्रेंद्र शेखर जी महाराज के मुखारविंद से की गई। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम शाखा बांसवाड़ा द्वारा अप्रशिक्षित महिला प्रकरण निस्तारित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय के बाहर ढोल बजाओ नींद रोव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात क्रमिक भूख हड़ताल भी की गई। बाद में अधिकारियों के आश्वासन के बाद में हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। यह जानकारी शिक्षक संघ सियाराम के अनिल व्यास ने दी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 5 दिवसीय प्रवास पर बांसवाड़ा रही। यहां पर इन्होंने अर्थुना स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन किए एवं संतों का आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात जनसंवाद कार्यक्रम भी किया गया। के चरणों में सादर निवेदन करते हुए श्री राधा वल्लभ भक्त मंडल द्वारा डॉक्टर देवेश गुप्ता के निवास पर हनुमान कथा का आयोजन किया गया। राधा वल्लभ भक्त मंडल के विशाल जोशी ने बताया कि इस कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने उत्साह व जोश के साथ हिस्सा लिया। Thank you.
बिहार के मुख्यमंत्री एवं जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार एक दिवसीय यात्रा पर बांसवाड़ा आए। उन्होंने यहां पर ऐतिहासिक कुशलबाग मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। यह जानकारी जनता दल के बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष धीरज मल्टिंडोर ने दी। राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश जी कटिया साहब और आज उनके जयंती के अवसर पर कार्यक्रम होता है, लाखों लोग उसमें भाग लेते हैं, हमारे बीच में नहीं। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी संघ बांसवाड़ा द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। उन्होंने अर्धनग्न होकर जीपीओ सर्कल पर प्रदर्शन किया, तत्पश्चात सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ भी किया। बांसवाड़ा में टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए शताब्दी वेलफेयर सोसाइटी के मुजफ्फर अली ने सीएम से मुलाकात कर यहां पर डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू करने के लिए ज्ञापन देकर निवेदन किया। बाहुबली कॉलोनी स्थित कबीर मंदिर पर यादव समाज एवं कबीर पंथियों द्वारा धार्मिक अनुष्ठान किए गए। यह जानकारी दीवान अमरजीत भगत ने दी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 5 दिवसीय बांसवाड़ा प्रवास के दौरान उन्होंने यहां पर शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजन पाठ कर दर्शन लाभ लिए, तत्पश्चात स्कूटी वितरण एवं जनसंवाद कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। बांसवाड़ा से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कुपड़ा में भव्य श्रीमद् भागवत कथा संपन्न हुई। इस कथा के दौरान मनमोहक प्रसंग भी आकर्षक रूप से प्रस्तुत किए गए। यह जानकारी जयेश जोशी ने दी। हाल ही में 10वीं एवं 12वीं कक्षा के CBSE के परिणाम घोषित हुए हैं। बांसवाड़ा के छात्रों ने भी इसमें बाजी मारी है। आइए मिलते हैं इन्हीं होनहारों से।
First of all, a special thanks to all the Goldie TV authorities that they gave me this opportunity to be on TV. I'm very glad that I got 98.8% in my CBSE Class 10 boards, but I feel more. लेकिन कुछ बच्चे नहीं पढ़ते और चलो लास्ट में पढ़ लेंगे, लेकिन वो नहीं होता है फ्रेंड्स। कठिनाइयों का सामना तो नहीं करना पड़ा बस। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पांचवें दिन घोटिया अंबा धाम पहुंची एवं वहां पर घोटेश्वर महादेव के दर्शन किए तथा संतों का आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात वे तलवाड़ा स्थित हवाई पट्टी से जयपुर के लिए रवाना हुई। लायंस क्लब वागड़ के संदीप सुरेखा को माइक्रो कैबिनेट में शामिल करने पर स्थानीय क्लब के सदस्यों ने किया भव्य स्वागत। लायंस क्लब इंटरनेशनल के आगामी सत्र 2018-19 की कार्य योजना के लिए डिस्ट्रिक्ट माइक्रो कैबिनेट की आवश्यक मीटिंग जोधपुर में 26-27 मई को संपन्न हुई। लायंस क्लब वागड़ के द्वारा किए गए मानव सेवा व समाज सेवा के कार्यों को प्रोत्साहन देने व क्लब के कोषाध्यक्ष ऊर्जावान व समाज सेवी संदीप सुरेखा की सक्रियता को देखते हुए वर्तमान प्रांतपाल सतीश बंसल व सत्र प्रिय दर्शनी सद्भावना संगठन साइंस सेंटर श्री बिंदा गुरु व्यायामशाला इंदौर द्वारा मध्य प्रदेश स्तरीय विशाल आयोजन श्री कुश्ती स्पर्धा दिनांक 28 से 30 मई 2018 तक आयोजित की गई, जिसमें दिनांक 30 मई 2018 को बुधवार को समापन समारोह में डूंगरपुर के वरिष्ठ साहित्यकार गिरीश पानेरी को विशेष आतिथ्य देकर माला एवं साफा बंधवाकर सम्मानित किया गया। पानेरी ने बताया कि इस महादंगल में पुरुष व महिलाओं की 200 कुश्तियां कराई गई, जिसमें विजय हिराने गामा को हासिल हुई। इस अवसर पर पानेरी द्वारा अपने उद्बोधन में उदयपुर के नामी पहलवान विष्णु जोशी का जिक्र भी। श्री कृष्ण कन्या।